हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लास्ट लेक्चर में कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर रहे थे, डायमंड ग्रेफाइट के बारे में बात कर चुके थे। हालांकि डायमंड ग्रेफाइट के बारे में हम बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं, बता तो फुलरीन भी कर चुके हैं, बट फुलरीन के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट डैंगलिंग बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता भी दिया आपको। और जैसे बकमिंस्टर फुलरीन सबसे कॉमन है फुलरीन्स में, बकमिंस्टर फुलरीन फॉर्मूला C60। क्या फीचर्स हैं? बक्की बॉल स्ट्रक्चर, विच कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्सागन्स। 20 हेक्सागन्स मतलब कार्बन के हेक्सागन्स बन जाते हैं 20, एंड 12 पेंटागन्स। ये स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, ईच कार्बन इन बकमिंस्टर फुलरीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp2 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां काम आ गए। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन व्हाट हैपेंस? फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। हालांकि बकमिंस्टर फुलरीन के लिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम नहीं पढ़ते, हम तो केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT जो है वो केवल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं। ये तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है C60, बट स्टेटमेंट NCERT में लिखा है, तो याद रखें कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन इज डीलोकलाइज्ड इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स गिविंग एरोमेटिक कैरेक्टर टू तो याद रखें एरोमेटिक नेचर होती है इन फुलरीन्स के अंदर, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ CC बॉन्ड लेंथ इन C60। C60 में दो अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ होती हैं। अच्छा, ये 12 पेंटागन्स, पेंटागन इज कनेक्टेड टू द हेक्सागन्स, एंड हेक्सागन्स में भी कनेक्टेड टू द पेंटागन और हेक्सागन। इस तरीके से फुटबॉल लाइक, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल खेलते हैं, उस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। सो दीज वर द पॉइंट्स रिगार्डिंग इट। थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी का ये थर्मोडाइनमिक्स हम पढ़ भी चुके हैं। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल, डायमंड एंड फुलरीन। और एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट आप जानते भी हो, स्टेकन 0, जबकि डायमंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगा, फुलरीन का और ज्यादा पॉजिटिव होगा। बेसिक थर्मोकेमिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ हैं, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। तो डिक्रीजिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये तो थे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। थोड़े से इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोक, कोकिंग कोल, इस तरह की चीजें जो हैं एक बार लिखेंगे। पहले ये नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, NCERT केयरफुली पढ़ें ये बातें, कई बार नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन आएगा छूट जाएगा। तो मेनली इस तरीके से कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल, ये हैं इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ
ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स इस फॉर्म में होता है कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल। होते क्या हैं ये? जैसे ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स। आप इनका इनकम्प्लीट बर्न करो, इनकम्प्लीट बर्निंग अगर करें तो यू विल गेट कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक कॉमनली यूज किया जाता है फॉर मेकिंग इंक, और टायर जो होते हैं उनमें काला रंग प्रोवाइड करता है, फिलर के रूप में यूज करता है, तो ये कार्बन ब्लैक इस्तेमाल हुआ। कार्बन तो ऑयल्स का या हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कम्बशन कराओ तो कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं, दैट इज कार्बन ब्लैक। ऐसे ही आपको वुड का इनकम्प्लीट बर्न कराओ देन यू गेट चारकोल। ये चारकोल मिलता है, लकड़ी को इनकम्प्लीटली बर्न कराने पर चारकोल ऑप्टेन होता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार वो जो आयरन करते हैं ना, कपड़ों पे प्रेस मारते हैं, आयरन में कोयला भरते हैं, इलेक्ट्रिक वाली नहीं, कोयला भरने वाली, तो वो चारकोल ही तो है। और एक होता है कोल से ऑप्टेन करते हैं कैल्सिनेशन करते हैं, वी डू द कैल्सिनेशन, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल कन्वर्ट्स टू कोक, यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी ऑफ आयरन, जिंक, टिन एटसेट्रा, इनकी मेटलर्जी में कोक का इस्तेमाल हो जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वेरियस फॉर्म्स हैं, हाउ दे आर ऑप्टेंड, आई हैव गिवन एग्जाम्पल हियर। So all are very good fuel, burn होते हैं, lot of heat is liberated, all on burning gives CO2 or carbon monoxide. Note करो ये थे forms। अब बात आती है allotropy of या allotropes of tin। Tin के allotropes पर JE main ने question पूछा हुआ है, क्या question है बताता हूँ, इसको note कर लो एक बार पहले। एलोट्रोप्स ऑफ टिन, टिन के दो एलोट्रोप होते हैं, अल्फा टिन, बीटा टिन। दिस इज मेटालिक वाइट टिन एंड दिस इज डायमंड स्ट्रक्चर्ड ग्रे टिन, ग्रे पाउडर्ड डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। और ये एलोट्रोप्स जो हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम एट 13.2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर यू गेट द मेटालिक टिन, और यदि अगर टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम कर दो तो इट कन्वर्ट्स इनटू द अल्फा टिन व्हिच इज ग्रे पाउडर्ड फॉर्म। ये पाउडर्ड फॉर्म है। तो जेई मेन ने क्वेश्चन पूछा था, नेपोलियन की जो आर्मी थी वो एल्प्स के जो ठंडा वेदर था, बिल्कुल चिल, सब जीरो टेम्परेचर, जीरो डिग्री से नीचे वाले टेम्परेचर्स पर, जो नेपोलियन आर्मी थी उनकी जो यूनिफॉर्म थी, उनके सोल्जर्स की, उन सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में जो बटन थे वो बटन टिन के बने हुए थे, और उस सर्दी में, चिलिंग विंटर में, उस आर्मी के जो बटन थे वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, उनकी वाइट टिन से कन्वर्ट हो गया वो ग्रे पाउडर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में, पाउडर बन गया वो, बटन ही गिर गया। अरे बटन ही गिर गया, यूनिफॉर्म ही गिर गई, तो पैंट तो खिसक जाएगी ना, बेचारा लड़ेगा कैसे, वो कैसे लड़ेगा, पैंट ही उतर गई उसकी, तो मतलब दिस वॉज द प्रॉब्लम। तो उसके बाद में फिर प्लास्टिक के बटन लगाने शुरू कर दिए, जैसी जरूरत होती है उसी तरीके से इन्वेंशंस की जाती हैं। तो ये जेई मेन का प्रॉब्लम था कि नेपोलियंस आर्मी जो थी वो एल्प्स के विंटर के अंदर उनके यूनिफॉर्म के जो बटन हैं वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए फ्रॉम मेटल्स, एंड इट इज़ ड्यू टू चार ऑप्शन,
ड्यू टू द चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. ऑफ कोर्स चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड. सो दीज टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स बेस्ड ऑन द टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट फॉर टिन. तो ये याद रखने वाली बात है. रूम कंडीशन पे ये है, बहुत लो टेम्परेचर पर इट कन्वर्ट्स इनटू द पाउडर्ड फॉर्म. ये जेई मेन का सवाल है. देयर आफ्टर अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलरली कार्बन कैटिनेशन. कैटिनेशन नोट करेंगे, यही लिख लो. तो कैटिनेशन में कार्बन बहुत अच्छी टेंडेंसी बताता है कैटिनेशन की. दैट मीन्स एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कनेक्ट विद वन अनदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स. इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अटैच थ्रू अदर एटम्स इन चेन और रिंग फॉर्म थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स. इट इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू अटैच थ्रू अदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. तो एक एटम, एलिमेंट्स का कोई एटम जो है वो अपने ही एलिमेंट के किसी दूसरे एटम से कनेक्ट होने की टेंडेंसी और रिंग बना ले या चेन बना ले थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन. कार्बन हैज हाईएस्ट एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड्स. तो कार्बन की टेंडेंसी काफी ज्यादा है सिलिकॉन से. सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड टिन दे आर नियरली सेम. डिक्रीजिंग कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो डिक्रीजिंग कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर. तो इस तरीके से याद रखेंगे कैटिनेशन की टेंडेंसी के बारे में. नाउ कमिंग टू द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. कार्बन हुआ, टिन हुआ, लेड हुआ, इनके कंपाउंड्स, सिलिकॉन हुआ, इनके कंपाउंड्स पढ़ने हैं. कार्बन की बात करें तो कार्बन के दो मेन कंपाउंड्स हैं दैट वी हैव टू स्टडी और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. चलो बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की. नोट इट डाउन. कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रिपरेशन. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन को बर्न कराओ ऑक्सीजन में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. एयर भी ले सकते हो. कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म. अच्छा तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन भी गया है ना गैस, अगर CO2 बन भी गया है तो कार्बन अगर एक्सेस में लिया हुआ है और हीट करते हैं, हीट तो करना ही पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर CO2 बन भी गया है तो एक्सेस ऑफ कार्बन अगर ले रहे हैं तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में. जैसे HCOH कॉन्सेंट्रेट, ये रिएक्शन हम बता चुके हैं पहले. कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करो एट अराउंड टेम्परेचर 373 केल्विन. कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस. सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल बी ऑब्टेन्ड. तो सर वाटर मिलेगा, वाटर को तो ये खा पी के बराबर कर दिया इसने. H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया मॉइस्चर, यू विल गेट ओनली द गैस CO. ऐसे ही H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड. कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करोगे तो इट विल फॉर्म CO गैस प्लस CO2 गैस. तो ये जो
कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनके डिहाइड्रेशन से कंसेंट्रेट एस्टर 4 की मदद से यू कैन गेट कार्बन मोनोऑक्साइड. कमर्शियल प्रोडक्शन यहां लिख लेंगे. थर्ड, कमर्शियल प्रोडक्शन इज डन व्हेन कार्बन सॉलिड हॉट कोक लेते हैं और स्टीम से रिएक्शन कराते हैं H2O. स्टीम, यू गेट CO गैस प्लस H2 एंड दिस इज कॉल्ड वाटर गैस और सिंथेसिस गैस. ये वाटर गैस इज 1:1 मिक्सचर ऑफ मोलर मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 और ये बहुत कॉमर्शियली यूज्ड फ्यूल हैं, ईंधन के रूप में काम आते हैं ये, जैसे वाटर गैस और सिंथेसिस गैस. अच्छा, ऐसे ही अगर आप एयर यूज करोगे तो यू विल गेट प्रोड्यूसर गैस. तो कार्बन सॉलिड प्लस एयर, एयर मतलब O2 प्लस N2. मान लो यहां 2 ले लो तो यहां 4 ले लो. क्यों? 1:4 के मिक्सचर में होता है एयर के अंदर लगभग 20% बाई वॉल्यूम O2 होता है और 80% बाई वॉल्यूम N2 होता है. तो 1:4 के मिक्सचर में होते हैं ऑलमोस्ट, तो क्या बनेगा? 2CO गैस प्लस 4N2 गैस. दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस. इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भैया. क्यों? क्योंकि अक्सर वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के कॉम्पोजिशंस पूछे जाते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यू हैव टू रिमेंबर. तो इस तरीके से आप ये लिखते हो, CO एंड N2 इज 1:2 मोलर मिक्सचर ऑफ द CO एंड N2 इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस. इंडस्ट्रियल फ्यूल हैं बोथ. नोट करें पूरी बात. Another preparation, a fourth. अब आप जानते हो concentrate H2O4 किसी भी cyanide salt से, K4FeCN6 और even KCN solid, कुछ भी ले लो ये. आप concentrate H2SO4 से reaction कराओ तो एक तरीके से ये बना लेगा potassium sulfate बन जाएगा plus Fe2SO4 thrice या FeSO4 प्लस 2 में है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी इवॉल्व आउट प्लस H2O. H2O बना तो ठीक है. सो लाइक दैट इट विल फॉर्म. सो दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज. कलरलेस, ओडरलेस गैस, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. तो कलरलेस ओडरलेस गैस है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. इट बर्न्स इन एयर विद ब्लू फ्लेम. कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में बर्न कराओगे तो क्या बनाएगा? CO2. ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है. ये बात क्वालिटेटिव एनालिसिस में 12th क्लास में आपके सामने आएगा. वहां पर कई सारे टेस्ट पढ़ोगे क्वालिटेटिव टेस्ट में, तो उसमें ये भी आएगा कि CO बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम इन एयर. अच्छा, एक बड़ी खास बात, CO इज अ टॉक्सिक गैस विच रिएक्ट्स विद मेक्स कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स. एक तरीके से जो हीमोग्लोबिन होता है HB,
ऑक्सीजन कैरियर होता है भाई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी ही नहीं होगा तो फिर तो इंसान मर जाएगा ना। तो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड, हीमोग्लोबिन इज द मेन कंपोनेंट विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ CO एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और O2 लिबरेट हो गया, तो जिस कारण से इसी कारण से क्या हुआ, तो ड्यू टू ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज एंड पर्सन गोज अनकॉन्शियस एंड देन डाइज। लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल हमारे देश में, भारत में 100 लोग तो कम से कम 20-50 लोग तो हर साल डेथ हमारे देश में सर्दियों के मौसम में हो जाती है। अब सर्दी तो कहाँ, खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, कश्मीर। अब यहाँ इतनी ठंड पड़ती है रात को टेम्परेचर मान लो 2-3 डिग्री हो जाता है, तो गाँव में जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो आपको ये बात मालूम भी होती है कि गांव में ठंड से बचने के लिए कई बार रूम के अंदर अंगीठी जला लेते हैं, सिगरी जिसे बोलते हैं, अंगीठी कोयले की अंगीठी जलाते हैं। कोयला जब बर्न करते हैं तो शुरुआत में तो उसका कंप्लीट कम्बस्शन होता है कोयले का, CO2 बनता है, रूम के अंदर की हवा कंज्यूम हो जाती है, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि हवा आती है ठंडी। थोड़ी देर बाद जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हवा के अंदर, तो फिर इनकम्प्लीट कम्बस्शन होता है उस कोयले का और कार्बन मोनोऑक्साइड बननी शुरू हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट बिकम्स रिएक्टिव विद द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड और वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। धीरे धीरे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है और वो व्यक्ति जो है वो तो सो गया, उन्हें अंगीठी जलाई, दरवाजे बंद करे, खाना वाना खा करके सो गया। धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो ओड़ भाई ना तो इसमें स्मेल है ना कोई कलर है तो पता भी नहीं चलता, और ये धीरे धीरे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने पर बंदा बेहोश हो जाता है, पता ही नहीं चलता उसको, और वो डेथ हो जाती है। कई बार पूरे पूरे परिवार जो हैं इस त्रासदी का शिकार बन जाते हैं, कई बार पूरे परिवार अज्ञानता के कारण भी ऐसा होता है, कई बार गलतियों के कारण भी ऐसा होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन द विलेजेस जहाँ पर लोगों को इतना आइडिया नहीं होता या ध्यान नहीं देते, अंगीठी जला करके कमरों में सो जाते हैं सर्दियों में, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं और इस कारण से कई बार लोगों की डेथ हो जाती है। सो दी रीजन इज दिस, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद रखें इस बात को, नोट करें सब, नोट इट डाउन। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना बड़ा यूज आपने मेटलर्जी में पढ़ेंगे 12th क्लास में मेटलर्जी पूरा चैप्टर है, आयरन की मेटलर्जी, टिन की मेटलर्जी, जिंक की मेटलर्जी में कार्बन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट कार्बन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, थर्ड, CO इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो Fe2O3 CO, Fe सॉलिड प्लस 3 CO2, तीन ले लो, और भी जैसे मान लो ZnO जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है और जिंक बना लेता है, CO2 इज लिबरेटेड आउट, तो इट इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी ऑफ आयरन, टिन, जिंक एटसेट्रा, बहुत कॉमन यूज है ये, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से। फोर्थ, निकल और कई एलिमेंट के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाता है, NiCO4।
सो दिस काइंड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. रूम कंडीशन पे दिस इज लिक्विड. मोनोमेरिक कार्बोनिल्स आर लिक्विड्स. यू विल स्टडी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन 12th. अब मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, 11वीं क्लास के बच्चों को लगता है हर बात में तो ये कहते हैं 12th में पढ़ोगे 12th में पढ़ोगे. शुरू में ही कहा था ब्लॉक केमिस्ट्री इज बेटर अंडरस्टूड इन 12th क्लास. जब आप इलेक्ट्रो पढ़ लेते हो, जब आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ लेते हो, तो ब्लॉक केमिस्ट्री आपको एकदम नेचुरल फ्लो आता है उसका. 11वीं क्लास में बच्चों को थोड़ा रटना पड़ता है, फीलिंग ऑफ कंफर्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है. कोई बात नहीं, 12th में आएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, फिर दोबारा से पढ़ लेंगे. नोट्स तो हैं हमारे पास, YouTube पे वीडियो लेक्चर्स तो हैं बच्चों के पास, क्लासेस तो अवेलेबल होंगी ना. नाउ अच्छा, जैसे NaOH, ये मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज में एस ब्लॉक में बताया हुआ है. इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, मोल्टन लेते हैं, चूंकि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक्वस NaOH से रिएक्शन नहीं करता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिजोल्व हो जाती है मोल्टन NaOH में हाई टेम्परेचर पर और बनाता है, प्रेशर भी हाई लेते हैं, हाई प्रेशर और हीट तो करते हैं तभी तो लिक्विड है. एंड इट फॉर्म्स HCONa, सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म. अच्छा याद रखो, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती, एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता, मोल्टन स्टेट में लेते हैं, पानी नहीं है कहीं से कहीं तक भी इसमें. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. देन कम्स इट रिड्यूसेस PDCl2. तो ये PDCl2 को रिड्यूस करता है टू फॉर्म पैलेडियम सॉलिड प्लस 2HCl प्लस CO2. सो लाइक दैट इट फॉर्म्स पैलेडियम बनाता है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली. 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट रिएक्शन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मतलब कितनी गैस है CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ CO इज डन विद I2O5. कैसे, मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये I2O5 के साथ आयोडीन पेंटाऑक्साइड प्लस 5 में है, CO2 में कन्वर्ट करता है और खुद I2 में चला जाता है. I2 का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम करते हैं हाइपो से, हाइपोकॉन Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन. हाइपो सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस हम समझते हैं इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. यहां से फिर ये जब होता है तो बनाता है NaI प्लस Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट. तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द गैस मिक्सचर इज डन विद द हेल्प ऑफ I2O5. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगेन दिस पॉइंट विल कम टू यू इन द हेलोजन्स. I2O5 के बारे में हम हेलोजन्स एंड नोबल गैसेस 12th क्लास में, पी ब्लॉक है, 12th क्लास वाले पी ब्लॉक में पढ़ेंगे फिर वापस से. तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे आपको याद रखने हैं. एक पॉइंट और लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिकल CuCl एंड फॉर्म्स अडक्ट. कौन सा अडक्ट? इस तरीके से CuCl.2H2O.CO इस तरीके से यह अडक्ट बनाता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए वी यूज अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड. तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्यों CO बहुत टॉक्सिक गैस है, क्यों इंसान को ये जान से मार सकती है, मारती है हर साल हमारे देश में विंटर सीजन में. अभी सर्दियां चल रही हैं, बी कॉशियस. और इसके बारे में बात भी करें अगर किसी से आप बात कर, लगता है कि इनको पता है या नहीं पता है. वैसे पता होता है काफी लोगों को, फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द डेथ ऑफ द पर्सन. तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड, मोर कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स इट फॉर नाउ.